हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 4:30 बज रहे, अभी तक आप उठे नहीं होंगे, अभी नींद में ही होंगे, मगर मैं उठ चुकी हूँ और यहाँ पर थेपले बना रही हूँ। दीपक जाने वाला है कॉलेज, तो फटाफट से बना लेती हूँ। तो ये थेपले के लिए ना, यहाँ पर मैंने लौकी बहुत सारी दीदी ने उस दिन मैंने आपको दिखाया था, बहुत बड़ी बड़ी लौकी ले आई थी। तो इसकी सब्जी तो एक लौकी की 4 दिन होगी, इतनी बड़ी लौकी है ये। तो सोचा इसके थेपले बना लो, और थेपले बहुत टेस्टी लगते हैं लौकी के, एकदम नरम बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, और ये आटा चकली का बचा हुआ थोड़ा सा आटा था, जो दिवाली में हमने चकली के लिए आटा बनाया था, मैंने थोड़ा सा आधा बच गया था। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन मिलाया 1 कटोरी, और बाद में ये मसाले डाल दिए हैं। अजवाइन इस तरह से हाथ से मसल कर डाल दे रही हूँ, जीरा भी हाथ से मसल कर ही डाला है, और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार नमक, ये सब कुछ डाल के, तिल वगैरह भी डाल सकते हैं मगर मैंने नहीं डाला है। बाद में डाला है कुटा हुआ थोड़ा सा लहसुन। अब डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे पहले तो सूखे में ही मिक्स करेंगे हम, अच्छे से सारे मसाले इस आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब डालेंगे कद्दूकस की हुई लौकी, और इसमें का पानी नहीं निकालना है लौकी में का, इसी से हमें टेस्ट मिलेगा इस थेपले में। तो ये डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप देख सकते हो इस लौकी की वजह से ना इसमें इतना पानी, पूरा आटा गीला हो रहा है, दूसरा पानी डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 1 कटोरी पानी लग जाएगा। ये लौकी की वजह से आटा गीला हो चुका है अच्छे से। तो इस तरह से थेपले का डो बना कर रख दिया है, और यहाँ पर गैस पर पैन रख दिया है, और एक कपड़ा ले लेंगे, और कॉटन का कपड़ा पता नहीं कहाँ रख दिया है, मुझे अब मिल नहीं रहा है, तो यही ले लिया है। अब इसे इस तरह से पानी में भिगो कर इसके ऊपर ये थेपला हम पतला सा थाप लेंगे। थेपले का आटा लगाने में टाइम लग जाता है, नहीं तो थेपले बहुत जल्दी से बन जाते हैं। बस लौकी को कद्दूकस करो, फिर आटे सारे ले लो, उसमें सब कुछ मसाले डाल के मिक्स करके, ये सब करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हमें लग जाता है, मगर यहाँ पर आटा लग चुका है। अब थेपले फटाफट से बन जाएंगे, और दीपक भी उठ चुका है, नहा रहा है, तब तक मैं थेपले बना लेती हूँ ताकि वो गर्मा गर्म खा भी सके। और उसने रात में ही बोलकर रखा था, मैं सब्जी बना रही थी लौकी की सब्जी और चपाती, तो उसने बोला मुझे लौकी की सब्जी चपाती नहीं खानी है, मुझे थेपले खाने हैं। थेपले बहुत पसंद है दीपक को, और बहुत टेस्टी भी लगते हैं, सबको पसंद आते हैं थेपले, और ख़ास करके लौकी के थेपले तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से पतला सा थेपला थाप के उसके अंदर मैंने 5 होल बना दिए, ताकि ये अच्छे से सीख जाए दोनों तरफ से। इस होल के अंदर थोड़ा सा ऑयल छोड़ेंगे ना, तो काफ़ी अच्छे से ये सीख जाएगा। तो हमें इस तरह से उलट पुलट करते हुए इसे अच्छे से सेक लेना है, और आप देख सकते हो इसका कलर देख के आपको पता चलता होगा बहुत टेस्टी है थेपले लगते हैं, और एकदम नरम। तो इसी तरह से मैं सारे थेपले बना लेती हूँ, और दीपक भी नहाकर कॉलेज का यूनिफॉर्म पहन कर रेडी है, तो उसके लिए थेपले दे दिए। थेपला खाकर उसे साथ में पैक करके भी वही दे रही हूँ दही के साथ। उसने गर्मा गर्म थेपले ऐसे ही खा लिए, दही नहीं चाहिए थी, गर्म गर्म थेपले ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो साथ में दही और थेपले कॉलेज के लिए इसे पैक करके दे दिया है। और बाहर मैंने झाड़ू मार दिए, बाहर झाड़ू लग चुकी है, पानी वगैरह छिड़क कर उंगली बना दिए बाहर का पहले हो जाए। अब यहाँ पर हॉल में, रूम में अभी झाड़ू लगनी है। तो पहले तो ये सोफे के कवर सारे में इस तरह से झटक के डाल देती हूँ, और दिनेश यहाँ पर पढ़ाई चल रही है, ये शायद 5:30 बजे उठा है दिनेश, जल्दी नहीं उठता है ये, 5:30 बजे उठ के आज लिख रहा है, आज थोड़ा सा जल्दी उठ चुका है। और ये ट्यूब ना, अभी ये सारे दीपक ने कल ऊपर रखे थे, अभी एक थैला बाद में आए तो वो नीचे रखा हुआ है, तो आने के बाद रख देगा वो। तो बाहर इस तरह से सुबह ही मैंने रंगोली बनाई थी जल्दी ही, और अब दीपक कॉलेज जा रहा है। अब यहाँ पर हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ, पहले बाहर का सारा काम मैं निपटा लेती हूँ, पानी वगैरह छिड़क के रंगोली बना देती हूँ, फिर अंदर के काम बाद में होते रहेंगे, बाहर अच्छा नहीं लगता है बहुत देर से झाड़ू मारो, तो इसलिए सुबह जल्दी बाहर झाड़ू लग जाती है, और पानी छिड़क कर रंगोली वगैरह बना देती हूँ।
दिनेश थोड़ी देर पढ़ाई कर रहा था, अब उसे दूध गर्म करके दे दिया है, दूध पी रहा है वो। तब तक मैंने बेडशीट भी चेंज की। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब दोपहर का टाइम है, दोपहर के 1 बज रहे और बस ऐसे अकेले बैठी हूँ। सब मेहमान आए हुए थे दिवाली में, सब चले गए, बस सोना सोना सा लग रहा है अकेले में। तो सारे काम मेरे निपट चुके हैं, कपड़े धुल चुके हैं, बर्तन हो चुके हैं। अभी दोपहर का लंच बनाना है तो बना लूँगी अभी। तो सुबह सबका नाश्ता हो चुका है तो तसल्ली से बना लेती हूँ। तो ऐसे बैठी थी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। और मैं मायके भी नहीं जा पाई दीपक के कॉलेज की वजह से। तो मेरी सारी बहनें आ चुकी हैं मायके में, तो उन्हीं को यहीं पर मिलने के लिए बुलाया मैंने। तो आज या कल वो भी आ जाएंगे और हम बहुत सारे बहनें हैं। आज 2-3 बहनें और कल 2-3 बहनें आ जाएंगे। हम 7 बहनें हैं। तो बोला है कि 2-2 जनी करके आ जाओ ताकि माँ को भी सोना सोना ना लगे। अगर सभी एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे तो माँ को बहुत सोना सोना लगेगा फिर। तो इसीलिए देखते हैं आज कौन आ जाता है। मैंने बोला है कि आ जाओ, कोई ना कोई मुझे मिलने। मुझे भी बहुत सोना सोना सा लग रहा है। सभी गए हैं, दीदी भी आई थी, दीदी 2 दिन रहकर चली गई, पूजा 2 दिन रही थी, सोनल भैया सभी आए थे, सब चले गए। तो बहुत खाली खाली सा लग रहा है। दीपक दिनेश भी नहीं है, दीपक कॉलेज गए, फिर से वही दिन वापस आ चुके हैं। दिवाली में बहुत अच्छा लग रहा था, पता नहीं कब दिन जा रहा था, कब टाइम हुआ जा रहा था, सुबह से शाम कब हो रही थी। सबके बीच में जैसे सब आने के बाद काम भी बहुत सारे हो जाते हैं, सबसे बातें करते हुए पता नहीं टाइम का पता नहीं चल रहा था। मगर आज ना मुझे बस टाइम जा ही नहीं पा रहा है। ज्वार का आटा भी ख़त्म हो चुका था तो ज्वार साफ करके यहाँ पर चक्की में डाल दिए। तो ये पीस ले, ये ज्वार पीस रहे हैं यहाँ पर, तो इसे ढककर रख देते हैं और धीरे धीरे से ज्वार पीसती है। ये चक्की छोटी है ना, तो इसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है ज्वार पीसने में। ज्वार पीसती रहेगी तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। तो अब दोपहर के 1 बज रहे और दिनेश का स्कूल से आने का टाइम हो चुका है। सुबह नाश्ता करके गया था वो, तो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म थेपले बना ले रही हूँ जब तक वो आ जाता है तब तक। और ये सुबह का ही आटा है, सुबह थेपले का आटा लगा था, वहीं मैंने ढककर फ्रिज में रख दिया था ताकि जब भी कोई खाना खाने ये भी आ जाए तो भी मैं गर्मा गर्म थेपले बनाकर दे सकूँ। क्या होता है ना, एक साथ बनाकर रख देती हूँ तो ठंडे हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं एक साथ बनाकर नहीं रखती हूँ। जब भी खाना खाने आ जाएंगे तभी मैं ये गर्मा गर्म थेपले इस तरह से बनाकर दे देती हूँ। और आज ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। कल सभी थे घर में, पूजा की तो आपने देखा होगा पहले वीडियो में, बहुत मस्ती करती है बच्चों के साथ, वो भी बच्ची बन जाती है, बहुत हंसाती है सबको। तो सभी गए, पूजा, सोनल भैया, अजय, वेदिका सभी गए, मुझे एकदम सुना सुना सा लग रहा है आज। और दीपक दिनेश भी घर पर थे जब दिवाली में छुट्टी मिली थी उन्हें 2-3 दिन, तो आज कोई भी नहीं है, दीपक दिनेश भी नहीं। थेपले बना लिए हैं और दिनेश भी आ चुका है। तो इसे दही और थेपले दे देती हूँ, और दही इसे ज़्यादातर नहीं देती हूँ, एकदम मतलब बिल्कुल खट्टा दही नहीं है, रात में ही जमाया हुआ दही है। फिर भी उसे डरते डरते दे रही हूँ, क्या होता है ना बहुत जल्दी से इसे जुकाम पकड़ लेता है, दही वगैरह खा लेता है। तो अगर थेपले के साथ इसे दही खाना है, गर्मा गर्म थेपले के साथ दही की ज़रूरत नहीं, फिर भी इसे खाना है तो उसे दे रही हूँ। और खट्टी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो अभी दही और थेपला इसने थोड़ा सा खा लिया, अभी थोड़ा सा दे रही हूँ। और लौकी के थेपले के साथ ना हमें ना दही की भी ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे लगते हैं। दोपहर के 1:30 बज रहे और अभी हमारा खाना नहीं हुआ है, अभी हमने खाना नहीं खाया। दिनेश का खाना पीना हो गया है, थेपले और दही खाकर वो चला गया है फिर से दोबारा से स्कूल। और अभी हमारे खाने में लेट है, अभी ये नहीं आएंगे इतने जल्दी, ये आते आते ना 3:30 बज जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है, ये चाय का वक्त तो है नहीं,
मगर मुझे ना नींद आ जाती है इस वक्त, इसीलिए सुबह जल्दी उठती हूँ ना, 4:30 बजे उठती हूँ, तो इसी वजह से मुझे इस वक्त नींद आने लगती है, तो इसलिए थोड़ी सी चाय पीऊँगी तो नींद नहीं आएगी, तो इसलिए चाय रख दी। आप तो दोपहर का खाना वाना खा चुके होंगे, अभी इस वक्त थोड़ी ना आप चाय पीते होंगे। चक्की चालू थी तो वही आटा मैं देख रही थी कि पिसा या नहीं, तो वही देखते हुए देखिए चाय जल गई, नहीं रही है, फिर अभी कुछ ज़्यादा ही मीठी लगेगी, जल गई है ना। 2 कप चाय रख दी थी मैंने, मगर वहाँ पर आधी कप ही चाय बन चुकी है। तो ये देखिए चाय जल के बस इतनी बची आधी कप, तो इतनी पी लेती हूँ, शायद ये बहुत ज़्यादा मीठी लग सकती है, मगर कोई नहीं पी लेंगे, मुझे ना नींद आ जाती है इस वक्त, इसीलिए चाय पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मीठी हो गई है, पूरी आधी कप चाय जल गई है तो आधी रह गई है, बहुत ज़्यादा मीठी लग रही है चाय। चलिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पी लूँ, पानी डाल के गर्म कर लेती हूँ फिर से, बहुत मीठी लग रही है, पी नहीं जा रही है। अरे थेपले बनाए थे ना तो ये भी गर्म है, इसलिए ऐसे रख दिया है चूल्हे के ऊपर, लाइटर भी नहीं चल रहा है। चाय पी ली है और कपड़े भी सूख चुके हैं, तो कपड़े निकाल लेती हूँ और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।